आईसीएमआर के दिशा निर्देश के उल्लंघन और कोरोना की रिपोर्ट में आने वाली देरी की शिकायतें दिल्ली सरकार के पास लगातार आ रही थी, जिसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने तकरीबन 7 से 9 प्राइवेट लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल को नोटिस भेजा। इसके बाद कई लेबोरेटरीज और गंगाराम समेत कई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने टेस्ट करना बंद कर दिया है। यानी जब दिल्ली सरकार से गाज गिरने का डर दिखा तो अस्पतालों ने कोरोना का टेस्ट करना ही बंद कर दिया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लगातार आईसीएमआर की गाइडलाइंस का उल्लंघन और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट में देरी को लेकर दिल्ली सरकार के पास शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने तकरीबन 1.5 दर्जन ऐसी लेबोरेटरीज को नोटिस भेजा जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है और जहां रिपोर्ट के आने में देरी हो रही थी, उसमें गंगाराम अस्पताल भी शामिल है। हालांकि गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर या PRO फिलहाल ऑन कैमरा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर ज़रूर आई है कि दिल्ली सरकार के नोटिस के बाद इस अस्पताल समेत ऐसे कई अस्पताल और प्राइवेट लेबोरेटरी है जिन्होंने COVID-19 का टेस्ट अब बंद कर दिया है। यानी सवाल ये था कि क्या आईसीएमआर की गाइडलाइंस को निभाया जाएगा, क्या रिपोर्ट जो 5 से 6 दिनों में आ रही थी वो समय पर यानी 24 घंटे के अंदर अंदर दी जाएगी। उसकी जगह अब प्राइवेट लेबोरेटरी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने यहाँ टेस्ट करना ही बंद कर दिया है, जो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार की साख के साथ साथ राजधानी दिल्ली की जो कोशिश है कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की उसके ऊपर कुठाराघात नज़र आ रहा है। ब्यूरो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।